अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको मिक्स वेजिटेबल बनाने का तरीका बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको मिक्स वेजिटेबल्स बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं ये सब्जियां हैं। सबसे पहले तो गाजर है और मटर हैं, और ये थोड़े से आलू हैं। उसके अलावा ये टमाटर है, एक चिकन क्यूब है, और ये मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन जो है वो थोड़े से ऑयल में डाल के फ्राई होने के लिए रख दिया है। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस आप यूँ कह लें कि इसको गुलाबी करना है, गोल्डन नहीं करना। हल्का सा ये पक जाएगा। प्याज जो है वो हल्का सा गुलाबी हो गया है। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी। हल्का सा इसको भूनने के बाद टमाटर ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने क्यूब भी डाल दी है। एक्चुअली मैं शुरू में आपको इंग्रेडिएंट्स इसलिए आजकल नहीं बता रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मैं नहीं चाहती कि आप लोग देखते देखते बोर हो जाएं। वैसे मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दिया करूँगी, ताकि अगर आपने देखना हो तो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं या आपको ना याद रहे तो आप वहाँ से देखें। बस इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। अब मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी 2 चम्मच, 2 टीस्पून। थोड़ी सी हल्दी और हल्का सा नमक। एक्चुअली चिकन क्यूब में भी नमक होता है, इसलिए जब आप चिकन क्यूब यूज़ करें तो बहुत एहतियात के साथ नमक डालें। अगर आप चिकन क्यूब नहीं भी यूज़ करना चाहते तो आप पे डिपेंड करता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी। जीरा मैं हर चीज़ में डालती हूँ। इसको हल्का सा पानी से छींटा लगा के अच्छी तरह भून लीजिए ताकि मिर्चें कच्ची ना रहें। मैं इसमें गाजरों और मटर पहले डालूंगी क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपके मटर फ्रोजन हैं तो समटाइम वो बहुत देर से गलते हैं, और आलू भी अगर आप साथ डाल देंगे तो हो सकता है कि आपके मटर गले ना और आलू घुल जाएं। तो एहतियातन आप गाजरों और मटरों को पहले हल्का सा पका लें और उसके बाद इसमें आलू ऐड करें। अब मैं इसमें ये गाजरें और मटर डाल के इसको दम पर रख दूँगी हल्का सा पकने के लिए। ये देखिए मैंने तकरीबन 5 मिनट बाद खोल के इसको देखा है,
गाजरों ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है और मटर और गाजरें भी थोड़े थोड़े गल चुके हैं। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी और फिर ढककर इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में हल्की आंच पर हमारी मिक्स वेजिटेबल्स रेडी हो जाएंगी। बहुत ही ईजी रेसिपी है। कोशिश करें कि इस तरह की जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें पानी डाले बगैर उनको कुक करने की कोशिश करें, अपने ही पानी में गलें, क्योंकि मैंने फील किया है कि जब आप एक्स्ट्रा पानी ऐड करते हैं उससे सालन का टेस्ट काफ़ी ख़राब हो जाता है। चाहिए ये देखें, अब मैं इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँ। ये देखें, अब तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोल के देखा है, ये अच्छी तरह से सब्जियां सारी गल गई हैं। इस पर मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। और हरा धनिया डाल के चूल्हा बंद कर दूंगी। ये हमारी मिक्स वेजिटेबल्स रेडी हैं। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।